हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द सम समीशन आई इक्वल टू जीरो टू एम 10Ci मल्टीप्लाई 20Cm माइनस आई वेयर पी सी क्यू इक्वल टू जीरो इफ पी इज लेस देन क्यू इज मैक्सिमम व्हेन एम इज फोर ऑप्शंस यू हैव। तो इसमें हमें ये 10Ci मल्टीप्लाई 20Cm माइनस आई का समीशन दे रखा है, तो हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। पूरा हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सपेंड करेंगे। तो अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो 10C ज़ीरो इंटू ये बनता है 20Cm माइनस ज़ीरो, कितना होता है आपका m होता है प्लस। अब मैं वन पुट करता हूँ तो मेरा बनता है 10C1 मल्टीप्लाई 20C, यहाँ भी वन रखूँगा तो m माइनस वन, है ना। i की जगह वन रख दिया मैंने, अब i की जगह टू रख के देखता हूँ क्या बनता है। 10C2 मल्टीप्लाई 20Cm माइनस टू, इस तरीके से ये बनता जाएगा। अब इन सब का लास्ट में i की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है m, तो ये हो जाएगा 10Cm मल्टीप्लाई 20Cm माइनस m हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब का सम हमें फाइंड करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, हर टर्म क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कह रहा है कि 20 में से आप 0 चूज़ करो मल्टीप्लाई और 20 में से m चूज़ करो, ठीक है। ये बता रहा है कि 10 में से 1 चूज़ करो मल्टीप्लाई और 20 में से m माइनस 1 चूज़ करो। ऐसे ही ये बता रहा है 10 में से 2 चूज़ करो मल्टीप्लाई 20 में से m माइनस 2 चूज़ करो। ऐसे करते करते चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 10 और 20 टोटल 30 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और शायद 30 ऑब्जेक्ट्स के दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक 10 और एक 20, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन जो 30 में से लेने हैं वो लेने हैं m। देखो, जब 10 में से आपने 0 का सिलेक्शन किया और 20 में से m का सिलेक्शन किया तो इसका मतलब टोटल आपने m का सिलेक्शन किया। 10 में से जब 1 का सिलेक्शन किया और 20 में से m माइनस 1 का सिलेक्शन किया तो यहाँ 1 सेलेक्ट हो गया, यहाँ m माइनस 1 सेलेक्ट हो गया, तो टोटल सिलेक्शन कितने हुए, इसको इसको ऐड करके देखो, m सेलेक्ट किया। इसका मतलब हर एक टर्म्स में आप क्या कर रहे हो, m सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 30 टोटल हैं आपके पास, 30 ऑब्जेक्ट्स मान लिया, 30 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको दो हिस्सों में बांट दिया 10 और 20, तो इन दोनों के टोटल सिलेक्शन जो हैं वो m है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल 30 में से m का सिलेक्शन कर रहे हो। तो आप इस पूरे को टोटल को लिख सकते हो 30Cm, ठीक हो गया। तो इन सब का जो समीशन है उसको आप 30Cm रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी वही है, ठीक हो गया। अब आपको यहां पर कहा है इस सम में, एक्चुअल में यहां पर ये कहा है इस सम में जो है m की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो मैंने बता दिया है इन सब को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जब 30Cm को आप एक्सपेंड करोगे तो टोटल 31 टर्म्स मिलेंगी, टोटल 31 टर्म्स आपको मिलेंगी, ठीक है। 31 टर्म्स टोटल आपकी होंगी। तो जब ये कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करते हैं तो स्टार्टिंग में एक बढ़ता है और एक पीक वैल्यू आने के बाद फिर ये डिक्रीज होता है। तो जितना ऊपर बड़ा होता है उतना ही फिर ये डिक्रीज करता है, ये कुछ ऐसे होता है इस टाइप से। तो आपको पास ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको ढूंढनी पड़ती है। ये कैसे ढूंढते हैं, अगर ये आपके पास इवन है जैसे कि यहाँ 30 है तो इसका जो हाफ होगा वो ही m की वैल्यू मानी जाएगी और वो ही मैक्सिमम होगी। मतलब 30Cm की जगह अगर 15 होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 30C14 इक्वल होता है 30C16, 30C13 इक्वल होता है 30C17, ठीक है। इसीलिए 30C13 आपका कम हुआ, 30C14 उससे ज़्यादा हुआ,
फिर 30C15 उससे भी ज़्यादा हुआ, पहुंच गए यहाँ, फिर 30C16 अब ये तो इसके बराबर हो गया तो कम हो गया, फिर ये कम होता जाता है। तो अगर यहाँ पर आपके पास इवन होता है ना, इवन नंबर होता है, तो उस केस में ये जो नंबर होता है इसका आधा होगा तो ही ये ओवरऑल टर्म जो होगी वो मैक्सिमम मानी जाएगी। और अगर ये आपका ऑड हुआ, अगर ये 31 होता तो फिर हम 31 प्लस 1 ओवर 2 करके देखते, ताकि आपका ये हो जाता 16th टर्म। ठीक है, इस टाइप से हम इसको चेक करते, पर क्योंकि इसके लिए फाइंड करने के लिए कहा है तो फिर हमने इसका यहाँ पर आधा कर लिया तो वो हो गया 15 और ये हमारा आंसर आ गया। तो 30C15 इस पूरे का सोल्यूशन होगा और 15 हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो बच्चों सोल्यूशन अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।